हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त हूँ मैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तबीज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। कहते हैं ट्रेवल करते समय ट्रेवल के इंपॉर्टेंट पार्ट को बताना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग कुछ चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ पर क्या गलती कर बैठते हैं। आपको ये पिक्चर से याद है, इस बंदे का मैंने वीडियो डाला था और मैंने बताया था कैसे इसको जॉब मिला, कैसे मैंने इनका लगाया पूरा काम, मतलब मेरे थ्रू हुआ। लेकिन कुछ गलती हमसे भी हुई और इनसे भी हुई। उस चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा लॉजिक के साथ समझाता हूँ। हम जब ट्रेवल करते हैं यूरोप कंट्री में, खासकर वर्क वीज़ा पे, जैसे हो क्रोशिया हो, माल्टा हो, या फिर इटली हो, स्पेन हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे हम लोग चाहते समय एक गलती कर बैठते हैं, हम एयरलाइन प्रॉपर चूज़ नहीं करते हैं। जब एयरलाइन आप प्रॉपर चूज़ नहीं करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं मसला खड़ा हो जाएगा। अब मसला किस टाइप के खड़ा होगा आपको टेक्निकली समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस भाई का मैंने क्या किया था, काठमांडू से एयरबे की फ़्लाइट की थी मैंने डायरेक्ट रोम तक। रोम से मैंने उनका किया था माल्टा का, तो उसमें कनेक्टिंग फ़्लाइट था उनका। काठमांडू से रात का 10 बजे था, जो कि 2 बजे वो शारजा छोड़ने वाली थी, और शारजा से सुबह 7 बजे थी, जो आपके दोपहर में कुछ 11 बजे वो अपना रूम छोड़ देता। और उसके बाद वहाँ से जो फ़्लाइट थी 6 घंटे होल्डिंग के बाद, 8 घंटे होल्डिंग के बाद उनका फ़्लाइट था माल्टा का। लेकिन वो भाई जैन जो रूल है नेपाल का, मैं बता देता हूँ, ये इंडिया से रूल नहीं है, ECNR पासपोर्ट की वजह से वहाँ पे अभी तक ये रूल है कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने पे। जब गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है तो अप्रूवल के बाद वो गए, बराबर सब चेक इन हो गया, उनका बोर्डिंग पास मिल गया, सब कुछ मिल गया, आराम से उनको बोर्डिंग पास रूम तक मिल गया। और जब वो लैंड करते शारजा में उन्होंने लैंड किया। लैंड करने के बाद उनके साथ क्या हुआ बताता हूँ। पहली बात तो 3 घंटा फ़्लाइट लेट हुई, नंबर वन। इसमें थोड़े से बेनिफिट बताऊँगा किसी चीज़ के बारे में, ट्रेवल इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा, हुआ उनके साथ क्या, जब उन्होंने फ़्लाइट लेट हुई और जब चेक इन का टाइम सुबह का 10 बजे आया, तो 10 बजे उनको चेक इन नहीं करने दिया, ये बोल के कि आप इस फ़्लाइट से नहीं जा सकते। जबकि टिकट बुक करने के पहले मैंने एयरबे के कस्टमर केयर को पूछा था कि फ़्लाइट आप लोगों ने नया चालू किया है रूट को, बल आई थिंक फ्लेमगिनो बोलो इटली का कोई है, मैं बता देता हूँ, टिकट की कॉपी आपको दिखा देता हूँ। वहाँ मैंने उनको कंफर्म करके बुक किया था, फिर भी उन्होंने उनको जाने नहीं दिया और पूरा दिन उनको लगेज लेने में लग गया। मतलब एक तो हुआ क्या उनके साथ, वो यूए रेसिडेंट भी थे, तो उनको बोला कि आपको हम काठमांडू डिपोर्ट कर देंगे। तो मैंने उसको समझाया, उसको फ़ोन करके, मेरे दोस्त को, कि यार तू उनको बोल कि मैं यूए रेसिडेंट हूँ, मुझे एग्जिट करने दो। यहाँ से मैंने कैसे भेजा आपको बताइए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मजाक नहीं। आपको जॉब्स के लिए खाली जानना नहीं है, जॉब्स के बाद भी क्या मसले होते हैं वो जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, फिर क्या होता है उनके साथ कि भाई मैं थे शायद आगे आ गया, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मेरे बहुत टाइम है। तो फिर उनको मैंने किसी तरह से, मतलब गाइड कर करके, किसी के थ्रू कर करके, बात कर करके उनको बाहर निकाला, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने उनका 2-4 दिन के बाद, क्योंकि ईद का टाइम था, टिकट नहीं था, वीज एयर से मैंने उनको भेजा। दोस्तों ये फ़ोटो है, ये देखो, माल्टा पहुंच चुके हो, लैंड हो चुके। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि एक ही कंट्री में 2 इमिग्रेशन रूल कैसे हो सकते हैं। तो मैंने जब एयरबे से बात की तो बोले सर ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, मतलब गलत रूल है। कहीं भी सेंजन वीज़ा में यही नहीं लिखा है कि अगर आपका कंट्री कोई भी इशूड कंट्री हुआ तो उसी कंट्री में लैंड करना है। अगर एक केस में, केस क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट, हाँ फ्लाइट का भी एक सिस्टम होता है, डायरेक्ट फ़्लाइट अगर नहीं है तो आप इनडायरेक्ट जा सकते हो, जिस केस में मैंने इनका करके दिया। लेकिन इस तरह का, मतलब इन्होंने उनको परेशान किया एयर अरबिया ने, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एयर अरबिया को समझना चाहिए, एयर अरबिया को, कि लोगों को गलत गाइड नहीं करना चाहिए। जबकि मैंने उनसे हेल्प भी मांगा कि सर क्या इसका प्रोसेस है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ नहीं गाइड किया। अब एक और फ़्लाइट बताता हूँ, लुफ्थांसा, पहले भी मैंने इसके बारे में बात की है, लुफ्थांसा भी मत पकड़ना दोस्तों, वो आपको मोस्टली आपको डिनाइड कर देंगे एंट्री। उसके बाद एक फ़्लाइट मैंने टिकट अभी नॉर्मली देखा है, इटली एयरलाइंस का, जो रोम के थ्रू ही जाती है, उसका भी टिकट मत बुक करना, क्योंकि वो भी आपको बोर्डिंग डिनाइड कर सकते हैं। लेकिन अब थर्ड, जैसे वीज एयर है, वीज एयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं और करते हैं सब कुछ, काम अपना करते हैं, वीज एयर को कोई मसला नहीं है, वीज एयर को कोई मसला नहीं सब चीज़ों से। वीज एयर बोलता है मुश्किल नहीं, आपके पास वीज़ा है, आप आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा आपका सिक्योरिटी चेक करेगा, वीज़ा कैसे मिला नहीं मिला, अच्छा, लेकिन वीज़ा का एक बेनिफिट बताता हूँ, अगर आप जैसे इतिहाद से आ रहे हो तो अबू धाबी से तो आप फ़्लाइट पकड़ सकते हो। अब बात करता हूँ कि इस बंदे का जो डिले हुआ, जो भी हुआ,
इसका बेनिफिट की लॉस वैल्यू कैसे कवर सकता है, तो आप उसके लिए आपको ट्रेवल इंश्योरेंस जो आपका काम आता है आप उसमें क्लेम कर सकते हो। अगर आपका फ्लाइट डिले होता है तो आप काम कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए आपको ट्रेवल इंश्योरेंस अच्छा होगा। आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेने के लिए आपको, मैंने हर वीडियो में एक बार बोलता कि पॉलिसी बजाज से लो, क्योंकि इनका क्लेम सेक्शन बहुत अच्छा है दोस्तों। मतलब अगर कोई भी फ्लाइट डिले हो जाती है तो आप अगर जैसे डायरेक्ट कंपनी से बात करते हो तो बहुत टाइम लगता है। ये ट्रेवल इंश्योरेंस का क्लेम सेक्शन इतना अच्छा है कि आप जस्ट एक क्लिक करना है और आपको लेना है। इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, 25 ब्रांड के साथ, 8 ब्रांड के साथ 25 टाइप की इनके पॉलिसीज है। आप कोई भी पॉलिसी अपने हिसाब से खरीद के ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन इनके बेनिफिट बहुत अच्छा है। अगर कुछ होता है, डिले होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी इसकी बेनिफिट्स मिलती है। तो कोई भी इंश्योरेंस खरीदना तो ट्रेवल इंश्योरेंस खरीदना तो पॉलिसी बाजार का यूज़ करो, बहुत ईजी है, 2 मिनट में मिलता है। मैं वीडियो में समझाया था, कई वीडियो में समझाता हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ। ये पॉलिसी बाजार, अब करना है क्या इस केस में जब आपके साथ ऐसा हो, इस बंदे के साथ ऐसा हुआ, उस बंदे को मैंने पूरा ट्रेस किया, सब कुछ बताया। अब करना है क्या आपको समझाता हूँ। या तो आप अपनी कंट्री से तुर्की एयरलाइन लो, नंबर वन। तुर्की एयरलाइंस क्या होता है, इस्तांबुल से होल्डिंग होता है, 7-8 घंटे का होल्डिंग होता है, वहाँ से ईजी तरीके से आप तुर्की एयरलाइंस पकड़ के जा सकते हो। दूसरा, या एमिरेट्स। अब काठमांडू से जो है फ्लाई दुबई कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, वो आपको यहाँ छोड़ती है और इनसाइड चेंज करके आप माल्टा जाते हो। ये दो फ्लाइट आपके पास सबसे ईजी है, या कतर एयरलाइंस, कतर से भी आप जा सकते हो, लेकिन मोस्टली तुर्किश और ये। और इंडिया से अगर जा रहे हो तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अभी खुल गए हैं, उसमें इंडिगो भी कनेक्टिंग हो गया साथ में, मतलब उन्हें अलायंस हो गया है, तो तुर्किश एयरलाइन के साथ हो रहा है, तो वो आप 3-4 मतलब होल्डिंग करके आप जा सकते हो। तुर्किश है, इंडिया से काफ़ी टेंशन नहीं, इंडिया से एयर इंडिया से पहले से भी जा सकते हो। ट्रेवल करते समय ध्यान रखने की बात है कि आपको घबराना डरना नहीं है, लॉ को पढ़ना है, लॉ को समझना है। अगर कोई डिनाइड बोर्डिंग करता है तो आप एयरपोर्ट मैनेजर का हेल्प ले सकते हो, एयरपोर्ट मैनेजर के पास जाके आप, क्योंकि कभी कभी जो छोटे एग्जीक्यूटिव होते हैं लेबर, मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप वही काम करो जो आपको सही लगता है, और आप एयरलाइन से कन्फर्मेशन ले लो। अगर आपको डर है तो एयरलाइन से कन्फर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेवल करना, लेकिन ट्रेवल करने के लिए आपको अलर्ट होना ज़रूरी है कि कौन सा। मैं आपको बोल दिया कि अगर आपको डर लग रहा है तो तुर्की एयरलाइन या एमिरेट्स एयरलाइन से जाओ, नेपाली, और मैं बांग्लादेशी भाइयों को बोल रहा हूँ, लेकिन इंडियन लोग के लिए बहुत सारे ऑप्शन खाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिंदास ट्रेवल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था उन भाइयों के लिए जो गलत तरीके से टिकट ले लेते हैं, जिनको नॉलेज कम होता है, जो ट्रेवल इंश्योरेंस सही से नहीं खरीदते हैं, जो अपने आप काम सब कुछ होने के बाद भी आप एंड नहीं सर। दूसरा, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ जो लोगों का रिजेक्शन आ रहा है, दोस्तों प्लीज़, मैं भले बोलता हूँ कि फ़ाइल खुद से बनाओ, लेकिन खुद के फाइल बनाने का मतलब क्या है कि हर चीज़ खुद से मत करो। एप्लीकेशन में गलती हो सकती है, कवर लेटर में मिस्टेक हो सकता है, इंश्योरेंस गलत ले सकते हो, टिकट सही नहीं हो सकता है, इसके लिए किसी प्रोफेशनल का हेल्प लो। मैं बोलता हूँ, अच्छा मेरा रेशियो 90% नहीं है दोस्तों, मेरा रेशियो 95% के ऊपर जाता है। मेरी किस्मत है, आप लोग का प्यार है, जो भी समझो, मुझसे जो भी फाइल बनाया कभी किसी फाइल में प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड तक, जब तक बंदा का फाइल सबमिट नहीं होता तब तक मैं उसका हेल्प करता हूँ। तो अगर किसी को फाइल बनाना हो VFS का, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। किसी को जॉब चाहिए यूरोप में, माल्टा में, क्रोशिया में, कहीं पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। visas@gmail.com सेंट्रल ईमेल आईडी है, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है +91 99 88 33 5584। ये नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके पूरा डिटेल हासिल कर सकते हो। मैसेज में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जवाब सबको आएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, चालू किया, अभी वेस्ट इंडिया जा रहा हूँ, तो आज कुछ काम से इंडिया जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल लगा सकता है, जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, तब जो मैं दिल से सब कुछ शॉर्ट करता हूँ दोस्तों।